क्लासेस, मैं हूं तबिता। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई सैंपल पेपर का सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे बढ़ते हैं और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है। और नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो, सबसे पहली चीज़ गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम के मतलब का आ रखा है। सो सारे कंसेप्ट इसमें यूज़ होने वाले हैं, सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी यूज़ होने वाली है। सो अगर आपको कंसेप्चुअल सीखनी है, कंसेप्ट सीखने हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी जो कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसमें मैं क्वेश्चन समझाऊंगी जिसमें सारे कंसेप्ट फॉलो हो रहे हैं, तो इसमें मैं कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे। सो अगर आपको कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियोस बन रखी हैं गाइस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि सीबीएसई में इजी क्वेश्चन तो सोचो मत कि आने वाला है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है, कंसेप्ट पर बेस्ड है। सो उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि सब्सक्रिप्शन हमें मिली है 2019-20 की, तो यानी कि हमारा साल कौन सा हो गया, 19-20, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। सो अगर मैं ये साल लिखूँ 19 से 20 के बीच में हमें सब्सक्रिप्शन मिली है गाइस 7,80,000, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी हुई है आपको, 7,80,000, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से कराऊंगी गाइस, टेबल के थ्रू भी और अकाउंट के थ्रू, तो दोनों ही, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, बट ऑफकोर्स इसमें दोनों ही तरीके से आपको कराया जाएगा। अब देखो, आपको सब्सक्रिप्शन मिली 7,80,000, लेकिन उन्होंने बोला इंक्लूडिंग 18-19 का भी इसमें पैसा है, 18-19 बोले तो प्रीवियस ईयर का, 20 से 21 आने वाले साल का, और 21 से 22 और उसके बाद भी आने वाले साल का, यानी कि आने वाले 2 सालों का भी पैसा इसमें इंक्लूडेड है। सो ऑफकोर्स हम उसे नहीं लेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हम कौन सी लेते हैं, हम कौन सी फाइंड आउट करते हैं, जो हमें इस साल की हमें रिसीव हुई हो। तो यानी कि जो भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन एडवांस आ रखी है या जो भी प्रीवियस ईयर की आ रखी है, वो हम लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 से 19 की, 20 to 21 की, 21 to 22 की कितना है, 20,000, 30 and 10,000, यानी कि 60,000 अगर मैं इसमें से माइनस करूँ, तो 7,20,000 हमें एक्चुअल में इस साल की रिसीव हुई है, ओके। आगे वो क्या कहते हैं गाइस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल। देखो, बिगनिंग की सब्सक्रिप्शन एडवांस जो भी मिलती है, यानी कि अगर 1 अप्रैल को मुझे कुछ भी पैसा मिला है एडवांस, तो वो मेरा 19-20 के लिए है 35,000, लेकिन उसमें उन्होंने भी कंडीशन डाल दी इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 20 to 21, यानी कि इस 35,000 में 15,000 रुपये 20 से 21 के हैं, तो जो कि हमें नहीं चाहिए। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हम ऐड करेंगे इस साल की, वो कितनी करेंगे, ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट दी बिगनिंग बोलते हैं इसे, 20,000 रुपये। कैसे, 35 आए थे जिसमें से 15,000 आने वाले साल के थे, जो कि हमें नहीं लेने, हमें सिर्फ इस साल के पता लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद है गाइस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल को 40,000 रुपये। कितनी आउटस्टैंडिंग है, 40,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन और एट द एंड में कितनी आउटस्टैंडिंग है, 50,000। अब इस कंसेप्ट को समझना, ठीक है। जबकि इसके अगेंस्ट हमें 18-19 की कितनी मिल गई, हमें 18-19 की मिली है गाइस 20,000 रुपये। तो यानी कि 40,000 आउटस्टैंडिंग थे एज ऑन का मतलब, तब तक 1 अप्रैल 2019 तक हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी 40,000, जो कि पिछले साल की थी। उसमें से इस साल हमें पिछले साल के 20,000 रुपये मिल गए। यानी कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आपकी फ़ीस 40,000 पिछले साल की पेंडिंग थी, और इस साल आपने मुझे 20,000 रुपये दे दिए, ओके। तो इट मीन्स 20,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। जिसमें से वो आगे कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 1 अप्रैल की थी, 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल, यानी कि उसमें से 15,000 रुपये आने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो 20,000 में से 15,000 आपने बोला मैम हम नहीं दे सकते,
मैम ने भी बोला मत दो कोई बात नहीं आराम से पढ़ो। तो यानी कि बचे कितने 5,000 रुपये। अब सिर्फ आपको 5,000 रुपये देने हैं, यानी कि बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग कितने हैं 5। ठीक है, बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है 5, पहले कितना था 20 था, लेकिन 15,000 नॉन रिकवरेबल है, माइनस कर देंगे। तो यानी कि इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है गाइस 5। अब क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 50 है, सो गाइस एज ऑन 50 है, तो हम ये मान के चलेंगे इस 50 में ये 5,000 इंक्लूडेड है, जो कि हमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो हम ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना करेंगे 50 माइनस 5, दैट इज 45,000। ठीक है, अब कंसेप्ट समझ आया। यहाँ पे टोटल अगर इसका करें 247,85,000, यानी कि इस साल की गाइस जो सब्सक्रिप्शन बन रही है वो बन रही है 7,85,000, जो कि हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाएगी। कितना जाएगा 7,85,000। गाइस जो ये 5,000 वाला केस है ये तब करते हैं जब आपको बिगनिंग की आउटस्टैंडिंग भी गिवन हो और उसकी रिसीविंग भी गिवन हो, तो हम ये मान कर चलते हैं। और यहाँ पे एज ऑन भी गिवन है तब तक, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी अभी बचा बकाया है अमाउंट, यानी कि इसमें 5,000 था, वो इसमें इंक्लूडेड होगा। क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि अब तक की फ़ीस ना 50,000 आउटस्टैंडिंग है, तो अब तक में वो 5,000 भी मतलब मैंने इंक्लूड कर दिया, जो कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, सो यानी कि आपका आंसर आएगा 7,85,000। सो गाइज इसमें सारे कंसेप्ट आपको यूज़ करने हैं, दिमाग लगाना है किस चीज़ पर कि इस साल का कितना बनता है, आने वाले सालों का नहीं लेना, पिछले सालों का नहीं लेना, इस साल का जो बनता है वो लेना है। ठीक है, अब गाइज ये तो जब क्वेश्चन था जब हमारी टेबल बनानी होती है हमें, अब जब हमें इसका अकाउंट बनाना होता है सो वो तो और भी सिंपल है, अकाउंट तो और भी सिंपल है। कैसे सिंपल है देखो, उसमें आपने, मैं गाइस प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ समझा रही हूँ। अब देखो, आपको पता है हम इसे कैसे उतारते हैं, अकाउंट जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका बनता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब आपको आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एडवांस बिगनिंग का उतारना होता है। हमारा बाय एडवांस एट द बिगनिंग बैलेंस बीडी करते हैं, हम बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं, एक्चुअल में बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे और ब्रैकेट में एडवांस एट द बिगनिंग कितना है। सो बिगनिंग में हमें एडवांस मिला था गाइस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन अ 1st अप्रैल 35। आउटस्टैंडिंग कितना था 2 बैलेंस बीडी, आउटस्टैंडिंग कितना था हमारा, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का था गाइस 40,000। ये उतारना है सिंपल, यानी कि आपको बिगनिंग एडवांस का, देखो एडवांस आप ही किस तरीके से अकाउंट बनाते हो, क्योंकि आज सब्सक्रिप्शन आपके लिए एक एसेट की तरह होता है। सो जो भी आपको अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो आपका एक एसेट है, डेबिट साइड से ओपनिंग होती है इसकी, और जो आपको एडवांस मिल रखा है वो एज आ मतलब लाइबिलिटी तरीके से ट्रीट करते हो, क्रेडिट। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में वो अमाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। अब इस साल कितना मिला, तो बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमारे कितना पैसा आया, टोटल 7,80,000। ठीक है, हम नॉर्मली इसमें ना तो इसका भी एडजस्टमेंट होना है, इसका एडजस्टमेंट एट द एंड होगा, वो क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आपको इसका ना जो अकाउंट बनता है उसमें सिर्फ लॉजिक लगता है कि भाई ये बैलेंस बीडी इस तरफ आता है, एक बैलेंस बीडी इधर आता है, इधर किसका आता है आउटस्टैंडिंग का, इधर एडवांस का। सेम बैलेंस सीडी करते हैं हम, इधर बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, यहाँ जो सीडी होता है वो आउटस्टैंडिंग का होता है, यहाँ जो सीडी होता है वो एडवांस का। सो हमें सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है, बाय बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी गिवन है हमें, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन दिस। तो मैंने 140 यहाँ लिखा, 50 यहाँ लिखा, एडवांस 35 यहाँ, क्लोजिंग का अभी हमें निकालना है गाइस। कैसे निकालेंगे देखो, 7,80,000 लिख लिया हमने, अब इसमें से 15,000 रुपये का जो अमाउंट है जो हमें नहीं सब्सक्रिप्शन का रिसीव्ड होना, हम उसे हटा देंगे, और उसे हटा के कहाँ डालेंगे,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखेंगे, नॉन रिकवरेबल 15,000, यानी कि 15,000 हमारे पास से नहीं आना, हमने उसे अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट से हटा दिया और कहाँ डाल दिया, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ओके, अब गाइस हमें निकालना है कि हमारे पास एडवांस एट द एंड कितना पड़ा है। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितना पड़ा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है गाइस 30 + 10 = 40, और जो हमें 1 अप्रैल को मिल गया था 20, 21 का 15, तो टोटल 30 + 10 = 40 + 15 = 55,000 रुपये। सो आपको मेनली इस क्वेश्चन में ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको गिवन होती है, ये कभी कभी गिवन होती है, आपको निकालना क्या होता है, जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करना होता है, और वो अमाउंट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस तरफ, क्रेडिट साइड। अब हम इधर का टोटल कर लेते हैं कितना आता है, देखो टोटलिंग कितनी आ रही है, 37,80,000, 35,000 और ये हो जाएगा आपका 65,000, ठीक है। 8,80,000 यहाँ की टोटलिंग आ गई। अब 8,80,000 में से हमें कितना माइनस करना है, 95,000, तो माइनस किया 5, 17 - 9, 8, तो 7,85,000 हमारा आंसर कितना आएगा, 7,85,000, जो कि पहले वाले का, मतलब जब हमने टेबल वाला करा था उसमें भी यही आ रहा था और इसमें भी यही। ये भी बहुत इजी सा है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें भी लगाना पड़ेगा। सो CBSE का क्वेश्चन है, इतना इजी तो आएगा नहीं, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बट अगर आपने इसे एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो इसके जैसे आप आने वाले सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो गाइस ये था आज की इस वीडियो में, आई होप आप लोगों को पसंद, नहीं समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो लाइक ज़रूर करना गाइस, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।